पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में पुलिस अधीक्षक यातायात और संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन गोरखपुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ऑटो रिक्शा के यूनियन पदाधिकारियों के साथ यात्रियों और महिला यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में पंजीकृत ऑटो रिक्शा के सत्यापन, वाहन स्वामी विवरण, चालक विवरण, ईंधन विवरण व परमिट विवरण प्रारूप में अंकित करते हुए ऑटो पर नंबर अंकित कराने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया। बैठक में मुख्य रूप से TI मनोज कुमार राय, TI धर्मेंद्र सिंह सहित टेम्पो एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। तो हम यहाँ बैठे हैं जनपद गोरखपुर के ऑटो के संचालन के नियमन के लिए। हम सब जानते हैं कि किसी भी शहर की पहचान वहाँ की यातायात व्यवस्था से है और जनपद गोरखपुर की महानगरीय क्षेत्र की जो यातायात व्यवस्था है उसमें ऑटो रिक्शा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑटो रिक्शा के संचालन और सेफ सिटी की अवधारणा को मुख्य रूप देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस क्रम में कई पिछले दिनों 12 अगस्त को माननीय मंडलायुक्त महोदय और AGP साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई थी जिसमें जनपद के तमाम उच्च अधिकारी थे, पुलिस के, प्रशासन के और अन्य विभाग के भी। उसमें निर्णय लिया गया कि ऑटो रिक्शा को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाए। उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में गाड़ी का पूरा ब्यौरा होगा कि सपोज कीजिए हमने किसी को आइडेंटिफिकेशन नंबर 11 दिया तो उस गाड़ी का पंजीयन नंबर क्या है, उसका चेसिस नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है, उसका मालिक कौन है, कहाँ का रहने वाला है, वो किस तरह की परमिट से संचालित है, किस तरह से संचालित है और उस गाड़ी को चलाने वाला चालक कौन है, उस चालक का परिचय क्या है, यह सारी चीजें उस डेटाबेस में हमें जमा करना है, हमें एकत्रित करना है। इसके लिए यूनियन के लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आप अपने माध्यम से जो गाड़ियाँ भेजेंगे उस पर आइडेंटिफिकेशन नंबर यातायात पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर अंकित करेगा और उसी से उसकी आगे चलकर पहचान होगी जिससे हमारे जनपद में जो भी संचालन हो वो सेफ संचालन हो और लीगल संचालन हो, सेफ ड्राइविंग हो और लीगल ड्राइविंग हो। उससे त्वरित जानकारी में किसी भी घटना के बारे में यदि कोई अनहोनी होती है उसके बारे में हमें जानकारी 24x7 हम इस बात से जानकार रहेंगे कि इस आइडेंटिफिकेशन नंबर का यह ऑटो है, इसका ये मालिक है, इसका ये चालक है। आप जैसे चालक हटाते हैं जब आप MBFEF CMPR में जाएंगे तो उसमें यह है कि आपको एक लिखित रूप में घोषणा करना पड़ता है, ऑथराइजेशन लेटर देना पड़ता है कि हमारा ये चालक है, ये चलाएगा गाड़ी। तो वो एक घोषणा आपके तरफ से एक जो फॉर्मेट अभी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसमें चालक का पूरा वो दे दीजिएगा। आपकी जानकारी तो जैसे ऑटो नंबर आप डालेंगे तो वो हमारी डेटाबेस में है, चालक की जो जानकारी है वो दे दीजिए। तो इसको हम लोग शुरू करा दें आज से। हमारे पेंटर भी आए हैं, हमारे कार्यालय से भी लोग आए हैं, आप सब ऑटो भेजिए बैलेंस ग्राउंड में, हम लोग उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान करना शुरू करें। अभी सर इस संबंध में हम लोगों ने वार्तालाप की थी यूनियन के अधिकारियों की तरफ से, यह आया था कि इस तरह का अभियान पूर्व में भी चला है लेकिन वो कुछ दिन चलने के बाद। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन गोरखपुर संजय कुमार झा ने कहा, गोरखपुर महानगर में ऑटो के संचालन के को नियमित किए जाने के क्रम में एक सेफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट किया जा रहा है सेफ सिटी की योजना के अंतर्गत। इस क्रम में शासन के निर्देश के अनुपालन में जनपद स्तरीय और मंडल स्तरीय अधिकारियों के द्वारा विगत दिनों में समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया था कि जितने भी ऑटो महानगर में संचालित हैं उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट किया जाए जिसमें गाड़ी का पूरा विवरण, चालक का पूरा विवरण अंकित हो और यह आइडेंटिफिकेशन नंबर गाड़ी के आगे पीछे अंकित हो जिससे कोई भी यात्री उस गाड़ी का नंबर याद रख करके अगर उसके साथ कोई अनहोनी होता है तो सुरक्षा की दृष्टि से वह पुलिस को और अन्य अधिकारी को, अन्य विभागों को अवगत करा सके। इस क्रम में ऑटो यूनियन के तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे,
जिला के हमारे पुलिस यातायात विभाग के पुलिस अधीक्षक महोदय उपस्थित हैं और इस क्रम में यह निर्णय हुआ कि इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और 10 से 12 दिन के अंदर इस कार्यक्रम को पूरा किया जाए।